उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के ज्वेलर्स डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर ने यूपी की राजनीति गरमा दी है। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगाया था। सपा पूरे मामले को ही फर्जी बता रही है और सरकार के साथ साथ पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा का प्रतिनिधिमंडल मंगेश यादव के घर पहुंचा था। इस बीच शनिवार को मछली शहर लोकसभा से सपा सांसद प्रिया सरोज भी मंगेश यादव के परिजनों से मिलने पहुंची। प्रिया सरोज ने एक्स हैंडल से इस दौरान की कई तस्वीरें भी शेयर की, साथ ही कैप्शन में लिखा, लोकसभा जौनपुर से बदलापुर विधानसभा के ग्राम सभा अगरौरा निवासी श्री राकेश यादव जी के पुत्र मंगेश यादव का पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर में हत्या निंदनीय है। पीड़ित परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया एवं हर संभव मदद का भरोसा दिया। एक और पोस्ट में प्रिया सरोज ने लिखा, साथ में उपस्थित ऋषि यादव समाजवादी कुटिया के संस्थापक और साथ में पार्टी के लौ स्तंभ समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिजनों के साथ है। इस तानाशाही के खिलाफ समाजवादी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले 6 सितंबर को भी मामले पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद ने लिखा था, मंगेश यादव की पुलिस द्वारा जाति आधारित हत्या सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं बल्कि पूरी सरकार की मंशा को दर्शाती है। मुख्यमंत्री के जाति का अनुज ठाकुर मुख्य आरोपी, उसका तथाकथित सरेंडर करा दिया गया, जबकि पीडीए परिवार के आरोपी को उत्तर प्रदेश पुलिस घर से ले जाकर सीने में सटा कर गोली मारती है। बता दें, मामले पर अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाते हुए कहा था कि एनकाउंटर के नाम पर 2 दिन पहले मंगेश को उठाया गया और फिर शरीर में बंदूक सटाकर गोली मार दी गई। सपा ने एनकाउंटर के साथ साथ एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर भी सवाल उठा दिए हैं। पूरे देश में आप बताइए कोई ऐसी टीम है जो स्लीपर चप्पल पहन करके एक अपराधी का, जिसको अपराधी कह रहे हैं, उसका एनकाउंटर करे? पूरे देश में आप बताइए कि जिस तरीके से बाथरूम चप्पल, ये चप्पल पहन करके बता रहे हैं कि हम अपराधी को दौड़ा रहे थे, अपराधी हम पर फायर कर रहा था, बाथरूम की चप्पल पहन के इतनी बहादुर हो गई है पुलिस, जब असली इनकाउंटर आता है तो मुंह से बोलते हैं ठाए ठाए ठाए, और जब जात देख करके हत्या करनी होती है तो सटा के गोली मार देते हैं। बता दें, इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। लबुआ के एसडीएम विदुषी सिंह को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुल्तानपुर के ज्वेलर्स डकैती कांड में पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला था। जांच पड़ताल में लूट की घटनाओं में 12 बदमाश शामिल पाए गए थे। पुलिस ने सभी बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरोह के मुख्य सरगना विपिन सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं एक आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।